नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हुआ हूं सिंह राशि का मासिक राशिफल अप्रैल सन 2022 को लेकर के। क्या ग्रह गोचर स्थिति रहेगी सिंह राशि के जातकों के इस अप्रैल के माह में? संपूर्ण ग्रह गोचर स्थिति का विश्लेषण करेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के दृष्टिगोचर से क्या स्थिति ग्रहों की रहेगी? कारोबार व व्यवसाय के दृष्टिगोचर से कैसी स्थिति ग्रहों की बन रही है? क्या क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं इस अप्रैल के माह में? आर्थिक स्थिति के दृष्टिगोचर से क्या विशेष लाभ आपको होने वाला है? संपूर्ण ग्रह गोचर स्थिति का हम विश्लेषण करेंगे, साथ ही बताएंगे अप्रैल माह की वह शुभ तारीखें जिनमें सिंह राशि के जातक अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे और ऐसी तारीखों के बारे में भी हम आपको बताएंगे जिनमें आपको सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो प्रारंभ करते हैं, मैं यह राशि फल प्रारंभ करूं से पूर्व आपको यह बता दूं, यह राशि फल चंद्र कुंडली व वर्तमान गोचर पर आधारित है, अर्थात इस राशि फल को आप लग्न कुंडली से न देखें, चंद्र कुंडली से ही देखें। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 5 अंक जहां पर लिखा है वहां पर स्थित है तो निश्चित ही आपकी सिंह राशि बनती है और यह राशि फल आपके लिए है। तो आइए प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले एक दृष्टि डालेंगे सिंह राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। संपूर्ण अप्रैल के माह में कैसी ग्रह गोचर स्थिति आपके लिए बन रही है? तो सिंह राशि का स्वामी यानी सूर्यदेव मीन राशि में अष्टम भाव में बुध के साथ युति बना करके स्थित है। बुध और सूर्य की युति अष्टम भाव में बनी हुई है। वहीं देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव कुंभ राशि में सप्तम भाव में स्थित है। मंगल और शनिदेव मकर राशि छठे भाव में स्थित रहने वाले हैं, जबकि राहु वृषभ राशि में कर्म स्थान पर और केतु वृश्चिक राशि में सुख भाव में चतुर्थ भाव में स्थित है। चंद्रमा की बात हम बाद में करेंगे। सर्वप्रथम इस अप्रैल के माह में ग्रह गोचर स्थिति में जो बदलाव होंगे उन पर एक दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले मंगलदेव राशि प्रवर्तन करेंगे। 7 अप्रैल सन 2022 मंगलदेव मकर राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के साथ युति बनाने का कार्य करेंगे। 8 अप्रैल सन 2022 बुध देव राशि प्रवर्तन करेंगे और बुध देव जो कि अष्टम भाव में मीन राशि अपने नीच राशि में स्थित थे वह अब मेष राशि में जाकर के भाग्य भाव में जाकर के भाग्य को संवारने का काम करेंगे। 12 अप्रैल सन 2022 राहु और केतु का महापरिवर्तन होगा। लगभग 18 माह के बाद राहु वृषभ राशि को छोड़कर के मेष राशि में वक्र गति में संचरण करते हुए भाग्य भाव में आकर के स्थित होंगे और केतु वृश्चिक राशि को छोड़कर के तुला राशि में पराक्रम के भाव में स्थित होने वाले हैं। 13 अप्रैल सन 2022 देवगुरु बृहस्पति भी राशि प्रवर्तन करेंगे, कुंभ राशि को छोड़कर के अपनी स्वराशि मीन राशि में जाकर के अष्टम भाव में स्थित हो जाएंगे। वहीं 14 अप्रैल सन 2022 आपके राशि स्वामी सूर्यदेव राशि प्रवर्तन करेंगे, मीन राशि को छोड़कर के अपनी उच्च राशि मेष राशि में जाकर के भाग्य को चमकाने का कार्य करेंगे। बुध के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे और राहु के साथ ग्रहण योग भी बनाने वाले हैं। 27 अप्रैल सन 2022 शुक्रदेव का राशि प्रवर्तन होगा, शुक्रदेव कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में आएंगे और उच्च के होकर के अष्टम भाव में स्थित होंगे। वहीं 29 अप्रैल सन 2022 को शनिदेव राशि प्रवर्तन करेंगे और शनिदेव मकर राशि को छोड़कर के छठे भाव को छोड़कर के सप्तम स्थान पर स्थित हो जाएंगे। तो संपूर्ण अप्रैल के माह की ग्रह गोचर स्थिति सिंह राशि के जातकों के लिए कुछ इस प्रकार बनी हुई है। अब इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सबसे पहले देखते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिगोचर से कैसी स्थिति बन रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिगोचर से देखें तो प्रथम 2 सप्ताह अप्रैल के सिंह राशि के जातकों को विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। मानसिक रूप से आपको अशांति हो सकती है, तनाव में आप रह सकते हैं प्रथम 2 सप्ताह तक, जब तक के विशेष सूर्य देव अष्टम स्थान पर स्थित है कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अशांत आप रह सकते हैं। त्वचा से संबंधित समस्याएं भी आपको प्रथम सप्ताह देखने को मिल सकते हैं और आधा सीसी का दर्द, सर में दर्द, आंखों में जलन, थकावट इत्यादि आपको इस अप्रैल के प्रथम सप्ताह में महसूस हो सकती है।
इसलिए आपको प्रथम दो सप्ताह सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे ही सूर्यदेव राशि प्रवर्तन कर और बुधदेव राशि प्रवर्तन कर भाग्य भाव में जाएंगे तो फिर धीरे धीरे आपको स्वास्थ्य में रिलीफ देखने को भी मिलेगा। अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए सिंह राशि के जातकों को इस अप्रैल के माह में आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि संभव हो तो अवश्य करिएगा इस पाठ को और प्रातः सूर्यदेव को जल भी अवश्य चढ़ाइएगा। निश्चित ही स्वास्थ्य में आपको लाभ देखने को मिलेगा। बात कारोबार व व्यवसाय की करें तो कारोबार व व्यवसाय के स्वामी आपके लिए कर्म स्थान के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, जो कि सप्तम स्थान पर देव गुरु बृहस्पति के साथ अपने मित्र की राशि में कुंभ राशि में स्थित है और शंख नामक योग बना रहे हैं। कर्म स्थान पर राहु स्थित है, प्रथम दो सप्ताह तक रहेंगे। 12 अप्रैल के पश्चात राशि परिवर्तन करेंगे तो निश्चित ही प्रथम दो सप्ताह अत्यधिक संघर्ष आपको करना पड़ सकता है और कहीं न कहीं दिग्भ्रमित वाली स्थिति भी आपके साथ रह सकती है इस अप्रैल के माह में। लेकिन इस अप्रैल के जो अंतिम दो सप्ताह होंगे सिंह राशि के जातकों को बिल्कुल बदलने का कार्य करेंगे और कारोबार व नौकरी के क्षेत्र में अचानक से आपके अंदर बदलाव देखने को अवश्य मिलेगा। ऐसे जातक जो सरकारी सेवाओं की तैयारियां कर रहे हैं, किसी कंपटीशन व एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्रों में से लाभ लेना चाहते हैं, 14 तारीख के पश्चात सूर्यदेव भाग्य भाव में आकर के निश्चित ही आपको लाभ प्रदान करेंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। व्यवसाय वर्ग की बात करें तो व्यवसाय वर्ग में ऐसे जातक जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, धर्म कर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, विद्या से संबंधित किसी भी कार्य को करते हैं, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। जीवन साथी का साथ व्यवसाय में भरपूर देखने को मिलेगा संपूर्ण अप्रैल के माह में। जैसे ही मंगलदेव भी यहाँ पर स्थित होंगे तो मंगल का भी अपना प्रभाव होगा और ऐसे जातक जो भूमि से संबंधित प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करते हैं उनको भी कहीं ना कहीं अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई देगा। बात करें सिंह राशि के जातकों के आर्थिक स्थिति की तो आर्थिक स्थिति के स्वामी बुधदेव आपके लिए बनते हैं। प्रथम सप्ताह बुधदेव अष्टम स्थान पर रहेंगे और उसके पश्चात राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव में जाएंगे तो निश्चित ही आर्थिक स्थिति में भी आप भाग्यशाली रहने वाले हैं। अच्छा मैनेजमेंट आप कर पाएंगे अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार। जितना आप धनार्जन करते हैं उसी हिसाब से आप अच्छा व्यय भी कर पाएंगे। हालांकि आपके व्यय भी अत्यधिक होने वाले हैं इस अप्रैल के माह में, खर्चों में भी बढ़ोतरी देखने को आपको मिलेगी। तो अत्यधिक व्यय करने से आपको इस अप्रैल के माह में अवश्य बचना चाहिए, अनावश्यक यात्राओं को करने से भी बचिएगा। इस अप्रैल के माह में कारोबार को लेकर के विशेष सिंह राशि के आप जातक हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि अपने कारोबार में किसी भी प्रकार का टाल मटोल करने से बचे, आलस करने से अवश्य बचेगा। केतु तृतीय स्थान पर जाएंगे, प्राकर्म के भाव में जाएंगे तो यहाँ पर केतु के प्रभाव के कारण आप में आलस विद्यमान हो सकता है, इसलिए आलस करने से विशेष रूप से बचेगा। बात अब यदि चंद्रमा की करें तो मित्रों चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है। चंद्रमा 2 से 2.25 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ होते हैं तो उनमें अत्यंत शुभता होती है, लेकिन वही चंद्रमा जो क्रूर ग्रहों के साथ होते हैं 6, 8, 12 भाव में होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नकारात्मकता देने का भी कार्य करते हैं और फलस्वरूप एक माह के भीतर 6 से 8 दिवस हम सबके जीवन में आपके हों या हमारे, हम सबको ऐसे अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, किसी न किसी प्रकार की चिंता, शारीरिक थकावट, शारीरिक दुर्बलता इत्यादि देखने को मिलती है। घर हो या आपका कार्य क्षेत्र कहीं ना कहीं कलह कलेश का वातावरण देखने को मिलता है। तो कौन सी ऐसी तिथियां अप्रैल के माह में सिंह राशि के जातकों के लिए होंगी यह हम आपको बताएंगे, लेकिन उसे पूर्व बताएंगे सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ तिथियां। तो तारीख 2, 3, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 29 और 30 अप्रैल सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ तिथियां हैं। इन तिथियों में आप अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो वहीं 5, 6, 10, 11, 16, 17, 22, 23, 27 और 28 अप्रैल को आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। आपका जीवन मंगलमय हो यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ज्योतिष से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए वो
समस्त पूजा पाठ के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध होंगे। अप्रैल का माह सिंह राशि के जातकों के लिए कल्याणकारी माह हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। और साथ ही मां भगवती के नवरात्रे चैत्र नवरात्रे 2 अप्रैल से प्रारंभ होंगे, तो चैत्र नवरात्रों के आप सभी सिंह राशि के जातकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां भगवती अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखें।